हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों जीके में जो चैप्टर डिस्कस करना है आपका, चैप्टर 14 है आपका कंट्री फैक्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया भर से जो देश के तथ्य हैं वो हमें यहाँ पर जानने हैं। ठीक है, हमें कंट्री नेम भी दिया हुआ है, हमें फ्लैग्स भी शो हो रहे हैं एवरी कंट्री के, तो हमें उनके बारे में बताना है कि ये किस कंट्री में हो सकता है। ठीक है, हेयर आर सम फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट वेरियस कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे, कि आज दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में कुछ रोचक तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। रिकॉग्नाइज द कंट्री, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस फ्लैग, तो हमें क्या करना है कि हमें इनको इनकी कंट्री को पहचानना है, और आप हम किसकी मदद ले सकते हैं, हम फ्लैग की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको अगर कंट्री के फ्लैग्स का पता होगा तो आप तब भी ये बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमें जो दिया हुआ है, मोस्ट ओवरवेटेड पॉपुलेशन, ठीक है, और यहाँ पर इसका फ्लैग भी है। तो मोस्ट ओवरवेटेड पॉपुलेशन यानी कि सबसे अधिक वजन वाली आबादी कहाँ पर होती है, देखो मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है, यहाँ इसको बोलेंगे हम नाउरो। ठीक है, NAURU, नाउरो। ठीक है बच्चों, सेकंड पर आते हैं। सेकंड है कवर्स द मोस्ट टाइम जोन, अधिकांश समय क्षेत्रों को कवर करे, मीन्स जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम किस चीज़ को कवर करें, टाइम जोन को कवर करें। तो वहाँ पर देखो फ्लैग भी दिया हुआ है हमें, ठीक है, और ये फ्लैग किस कंट्री का है, फ्रांस का है। क्लियर है, नेक्स्ट पर आते हैं। रोड्स मेड ऑफ कॉर, कि जो मूंगे से बनी सड़क होती है उसको क्या कहते हैं, और यहाँ पर फ्लैग भी दिया हुआ है, उसका नाम है गुआम, GUAM, क्या बोलते हैं उसको, गुआम। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। मोस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, कि यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक झीलें हैं, और कंट्री हमें कंट्री नेम बताना है, और हमें यहाँ पर फ्लैग शो रहा है, और ये यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लेक्स हैं वर्ल्ड में वो है कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेजर्ट, कि रेगिस्तान के उच्चतम प्रतिशत वाला जो डेजर्ट है हमें बताना है, कि वो कंट्री बताने जो सबसे हाईएस्ट हो, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेजर्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेगिस्तान हो, और यहाँ पर हमें उसका क्या दिया हुआ है, फ्लैग दिया हुआ है, और वो कंट्री हमारी कौन सी है, लिबिया, LIBYA। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा ओपियम का प्रोड्यूसर कहाँ होता है, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, ओपियम बोलते हैं हम अफीम को। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। कंट्री दैट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया एंड प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑक्सीजन, कि वह देश जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र, वन क्षेत्र सबसे अधिक है, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एरिया कौन सा है, फॉरेस्ट एरिया है, और वहाँ सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। तो जहाँ पर सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन भी होता है, और उसका जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है, और वो कंट्री हमारी कौन सी है, रशिया। ठीक है, हमें यहाँ पर फ्लैग भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पर आते हैं। ऑलमोस्ट एंटायरली ट्रीलेस, कि लगभग पूरी तरह से वृक्ष विहीन, तो जहाँ पर बिल्कुल भी वृक्ष नहीं है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, जो पूरी तरह से ट्रीलेस है, वो कंट्री हमारी कौन सी है, हैती, और उसका जो फ्लैग है वो ये है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री हमारी ट्रीलेस, हैती, HAITI। नेक्स्ट पर आते हैं। मोस्ट एजुकेटेड पीपल, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस कंट्री में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, कनाडा का फ्लैग ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट कंट्री विद नो फार्म्स, ठीक है, बिना खेतों वाला सबसे बड़ा देश, यानी कि जहाँ पर कोई भी फार्म्स नहीं है, तो लार्जेस्ट कंट्री है वो फिर भी, और वो कौन सी कंट्री हमारी, फ्लैग ये रहा उसका, सिंगापुर। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री विद नो फार्म्स, जहाँ पर बिल्कुल भी फार्म्स नहीं है, खेत नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड,
लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे बड़ा घनी आबादी वाला, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, तो वो कौन सा हमारा? मंगोलिया। कौन सा है वो? मंगोलिया, MONGOLIA, मंगोलिया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, हाईएस्ट रेट ऑफ एमिग्रेशंस इन द वर्ल्ड, कि विश्व में उत्प्रवास की उच्चतम दर, कि सबसे ज़्यादा उत्प्रवास एमिग्रेशंस कहाँ पर होता है वर्ल्ड में? वो होता है हमारा माल्टा में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हमें पॉइंट्स बताए गए थे, जहाँ पर हमारे कंट्री फैक्ट्स बताने थे हमें अराउंड ऑफ दी वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स के अराउंड में कि किस कंट्री में क्या क्या होता है। जैसे कवर मोस्ट टाइम जोन को हम कवर करते हैं फ्रांस में, है ना। मोस्ट ओवरवेटेड जो पॉपुलेशन है वो नारो में है। ठीक है, कंट्री विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट की जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो लीबिया में है। ऑलमोस्ट एंटायरली ट्रीलेस कहाँ पर है? हमारे हैती में है, है ना। लार्जेस्ट कंट्री विद नो फार्म्स, सबसे बड़ी कंट्री है लेकिन विदाउट नो फार्म्स के है, फार्म्स नहीं है वहाँ पर, वो सिंगापुर में है। तो आपको क्या करना है, आपको भी ये सभी जो वर्ड्स जो कंट्री है हमें हमारी, एक तो इनके फ्लैग्स को ध्यान में रखना है कि कौन सा फ्लैग किस कंट्री का है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमें ये देखना है कि इस कंट्री से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। ओवरवेटेड पॉपुलेशन है तो वो कहाँ पर होंगे? ठीक है, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है तो वो कौन सी कंट्री की होगी? ठीक है, कंट्री दैट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है और प्रोड्यूस मोस्ट ऑक्सीजन कर रही है तो वो कौन सी कंट्री होगी? ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो ये चैप्टर अच्छा भी है और इससे आपको एवरी कंट्री के क्या पता चलेंगे, फ्लैग्स भी पता चलेंगे और उनकी नॉलेज भी होगी कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है। जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम, ओपियम का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कहाँ पर होता है? अफगानिस्तान में। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से सुनोगे, समझोगे और अच्छे से चैप्टर को लर्न करोगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।